फाइनली वेलकम बैक एंड एज यू कैन सी हम लोग रेडी हो गए हैं फॉर द गरबा नाइट एंड हम जा रहे हैं गरबा खेलने. आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई मीन आपको पता है कि कई बार क्या होता है कि हम लोग कहीं और रहते हैं लेकिन जब हमें अपने कल्चर की चीज़ें करने मिलती है ना तो हमें बहुत मज़ा आता है. तो दिल्ली में आज जब हम लोग गरबा खेलने जा रहे हैं तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. तो मेरे अलावा ना डाइपर पहना दो वरना सो हमारे साथ ना मेरे और मिकी के साथ हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है. आई मीन हम लोग ना सब कुछ फाइनल करके रखते लेकिन कोई चीज़ तो ना निकल ही जाती है. तो हमने ना डायपर्स बुक नहीं करे थे. आई मीन बुक तो करे थे लेकिन वो आए नहीं और हम लोग भूल गए पूरे दिन. तो जब अभी रेडी करना था इसको क्योंकि एज पर इंडियन कल्चर ना हम पूरा दिन उस बच्चे को डायपर नहीं पहनाते. तो जब अभी जाना था और युवराज को जब रेडी करना था तो मेरे को पता चला कि हम लोगों ने डायपर तो मंगाए नहीं है. तो फिर अभी पहले हमने डायपर उठाया. अब मैं इसको कार में हाफ मैंने रेडी कर दिया. बस नीचे का बाकी है वो अब पहनाऊंगी एंड उसके बाद हम लोग जाएंगे गरबा खेलने. आज हम जा रहे हैं दिल्ली में रजवाड़ा है जीटी करनाल राइट. तो जीटी करनाल रोड पे है. मैं पहले गई हुई हूँ वहाँ पे. आई गेस 5-6 साल पहले गई थी. आज भी मैं जा रही हूँ बिकॉज यहाँ पे आई गेस वही एक जगह है जहाँ पे अच्छा गरबा होता है. और भी है लेकिन मुझे वो अच्छा लगता है. तो मैं सोचती हूँ कि यहाँ पे रिस्क लेने से अच्छा है जहाँ पे पता है वहाँ पे जाओ. हमारे अहमदाबाद जैसा नहीं कि हर गली में यहाँ पे गरबा नहीं होता. ऐसा नहीं है. वहाँ पे हर एक गली में गरबा होता है. यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होता. तो अभी पहले हम जाते हैं और चेक करते हैं कि मज़ा आता है नहीं. आज मैंने रूटी को भी ना थोड़ा गुजराती टच वाला पहनाया है. यस एंड मिकी ने भी कुर्ता पहना है. ऑल दो ये लोग ज़्यादा इंडियन पहनते नहीं है. आप सब कमेंट करके बताना कि रुद्र कितना हैंडसम लग रहा है और मिकी भी एंड मैं कितनी ब्यूटीफुल लग रही हूँ तो मुझे पता ही है. यहाँ पे ना हम लोग अभी डायपर लेने खड़े हुए थे एंड यहाँ पे रोड पे भी नॉर्मली लोग यहाँ पे ऐसे कपड़े पहनते नहीं और गुजराती ऐसे पहनते नहीं. तो वहाँ पे भी ना जो गाड़ी रुकी ना वो भी ऐसे मुझे देख रहा है कि गाड़ी बीच सड़क पे रुकी है ब्लॉक कर रही है. लेकिन ठीक है मेरे को ठीक है चलता है. तो अब हम चलते हैं रजवाड़ा पे और फिर वहाँ पे जाके मैं दिखाऊंगी कि कैसे गरबा खेला और क्या 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 था यार. कई बार ना क्या होता है कि जब भी मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ ना तो वो बहुत अच्छे से होता है लेकिन जब वहाँ पे जाती हूँ ना तो फिर उसी के मज़े में हम लोग चले जाते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें किस तरह से एंड करना है क्या करना है. तो आज मैं ट्राई करूँगी कि हम लोग अच्छे से ब्लॉग को एंड करें. तो चलो पहले चलो. सो अब हम पहुँच गए हैं रजवाड़ा एंड जहाँ पे हमारा हमें आना है वो जगह हम आ गए हैं. अब पार्क करेंगे कार क्योंकि ट्रैफिक है यहाँ पे भी. दिल्ली में हर जगह जहाँ पे भी जाओ ना ट्रैफिक तो होता ही होता है पता नहीं क्यों. पहुँचने के बाद अब गाड़ी पार्क करते हैं एंड यहाँ पे लाइटिंग्स बहुत ज़्यादा प्रिटी थी. बहुत अच्छी वाइब आ रही थी गरबे की. यहाँ पे ना एक्चुअली गुजराती वाइब्स आती है बिकॉज ऑलमोस्ट सारे ही मेरे को गुजराती दिखते हैं जस्ट लाइक पूरा गुजराती गेटअप में. सो चलो चलते हैं. एंट्री हमने कर ली है और यहाँ पे मैं फिर मिली थी अपनी फ्रेंड मैनी से. तो ये है कहाँ है यार कहाँ है ये रही है मेरी फ्रेंड. ये वहाँ पे सिंगर थी. सो हम आ गए. हमें एक और अपनी जो फ्रेंड है उन्हें ढूंढ रहे थे. और यहाँ पे नॉन स्टॉप गरबा चल रहा है. यू कैन सी सारे लोग यहाँ पे गरबा कर रहे हैं. मेरी एक ना इयर रिंग्स भी खो गए यहाँ पे बट हम बस फन कर रहे हैं और कुछ नहीं. बहुत ज़्यादा रश था यहाँ पे क्योंकि 8वां दिन था एंड वी एंजॉय अ लॉट. Off to you all people. आपकी एनर्जी को सलाम है. आप लोगों को देखकर ही मुझे जोश आता है. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर. लव यू ऑल. थैंक यू सो मच. ये थे फाल्गुनी ब्रह्मभट. बहुत अच्छा गाना गा रही थी और बहुत ही मज़ा आ गया. फिर हम गाना गाने आ गए. वहाँ पे भी बहुत भीड़ थी. ब्रेक के बाद ना मैं वापस गरबा करने के लिए चली गई. गरबा करने का मज़ा ही कुछ और है. यहाँ पे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ थी और यहाँ पे मेरी फ्रेंड है मैनी जो अपना परफॉर्मेंस दे रही है और बहुत मज़ा आ रहा था. मैंने सोचा थोड़ा सा बीच में थोड़ा रिकॉर्ड भी कर लेती हूँ. ऑडियो तो नहीं कर पाई थी बिकॉज बहुत ज़्यादा रश थी और यार ना यूट्यूब वाले बहुत ज़्यादा कॉपीराइट भी डाल देते हैं. तो उसके बाद ना ये देख सकते हो चारों तरफ गरबा. यहाँ पे ना माता जी का जो हम माता जी बोलते हैं गुजराती लोग एंड दुर्गा माता का एक पंडाल टाइप का था वो भी इतना प्यारा था. रूडी को थोड़ा सा मम्मा टाइम चाहिए था तो मैंने बस उसको वो टाइम दिया. युवराज ऑल दो सारे बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती कर रहा था. एंड यहाँ पे हम अब जाएंगे घर. यार मन तो बिल्कुल नहीं था लेकिन सारे ही जा रहे थे तो अब हम भी जा रहे हैं. बाय.
रात के कितने 2 बज गए और अब गरबा खत्म हो गया है यहाँ पे अहमदाबाद में, तो अभी आज होगा 3-4 बजे तक, क्योंकि आज 8वां दिन है एंड 8वां है और यहाँ पे 2 बजे के आसपास ख़त्म हो गया, सबको प्राइज दे दिया एंड अब हम घर जा रहे हैं। एंड मैंने आज बहुत एंजॉय किया बिकॉज मेरे ना यहाँ पे पार्टनर बन गए थे जो कि बिलोंग करते हैं अहमदाबाद से एंड आई एंजॉय अ लॉट, बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। आई मीन मुझे लिटरली थोड़ी देर के लिए पता नहीं था कि मेरे पति और बच्चे आए हैं एंड बहुत ज़्यादा मज़े किए मैंने। बट मिकी ने आज थोड़ा ज़्यादा ही मुझे सपोर्ट कर दिया बिकॉज ना मैंने मम्मा से भी ज़्यादा हंसी कर ली। हाँ, रुद्र ने भी उससे भी आज बहुत एंजॉय किया है, वो बहुत भागा है। इवन युवराज ने बहुत एंजॉय किया, मिकी ने भी बहुत एंजॉय किया, लेकिन हुआ क्या, क्योंकि गरबा मैं खेल रही थी तो मिकी ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, उन्होंने दोनों बच्चों को संभाला, मैं बस ब्रेक ब्रेक में आती थी और फिर जैसे खाना वाना जो खाना था वो भी आज उन्होंने मुझे खिलाया थोड़ा बहुत एंड आई एम सो हैप्पी। मिकी थैंक यू सो मच, वेलकम। और आपने एंजॉय किया? हाँ बहुत। सो भगवान करे, मैं ना पहले ना ऐसे बोलती थी कि भगवान ना ऐसा पति सबको दे, फिर ना वो कपिल शर्मा की मूवी आई तो उसमें भी उसकी एक बीवी ना सेम बोलती थी भगवान ऐसा पति सबको दे, तो कपिल शर्मा बोलता है धीरे धीरे सबको ही दे रहा है और उसकी 3 बीवियाँ थी, तो तब से मैंने ये सब बोलना ही बंद कर दिया कि भगवान सबको दे, मुझे लगता है ऐसा पति सिर्फ मेरे को दे और दे दिया बस। हेलो मिकी, नींद आ रही है, युवराज ऑलमोस्ट सो गया एंड रूटी को भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, तो घर पहुँचेंगे क्योंकि फिर नाइटर्स और उसके लिए बहुत रोना पीटना हो ही जाएगा घर जाके। मैं ना आज वैसे भी डाइट पे चल रही हूँ और ऑलमोस्ट मैंने 5 kg के आसपास लूज भी कर लिया है। आई गेस आपको मेरे फेस से थोड़ा बहुत पता चल गया होगा, थोड़ा चबीनेस ना बहुत कम हो गई है एंड दूसरा ना आज ना मैंने मैगी खा ली है वहाँ पे गरबे में, और क्या खाया था, रुमाली रोटी और काठी कबाब समथिंग, वो मैंने हम लोगों ने खाया था, मैंने थोड़ा सा खाया था लेकिन मैंने आज खा लिया। और तो मेरे को मैगी नहीं खानी है और अभी मेरे को ना भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, बट मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ पर ना खाऊँ क्योंकि आज मैगी हो गई है, बट फिर मुझे लगता है क्या ही यार 1 kg ही तो वज़न बढ़ा होगा, वो मैं एक्सरसाइज करके और डाइट करके उतार दूँ। तो अब चलते हैं घर के और फिर ब्लॉग को एंड करूँगी। हम आ गए सोसाइटी एंड पता है मेरा मेकअप अभी भी ऐसा का ऐसा ही है, एक जगह से भी हिला नहीं, तो जो भी मैंने टेक्निक यूज़ करी है ना वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और हम आ गए घर पे, युवराज सो गया है एंड रुद्र भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा नींद में है एंड आज पहली बार ना मैंने ब्लॉग एंड किया है। फाइनली बाय गाइस एंड आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच, बाय।